नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज में और आपके साथ मैं शशि किरण। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने कार्यवाही कर 4 देशी कट्टे किए बरामद, 4 युवकों को किया गिरफ्तार। सीकर में विवाह समारोह में युवक ने उड़ाया रुपयों से भरा बैग, 1,75,000 रुपए पार। जयपुर रोड स्थित संजीवनी विवाह स्थल की है घटना। बांसवाड़ा में कार व बाइक में हुई भिड़न, 3 युवक हुए गंभीर घायल, घायलों को उदयपुर किया रेफर। सरदार शहर खेत पर कृषि कार्य करते समय करंट लगने से किसान की हुई मौत, गेहूं की फसल को पानी पिलाने के दौरान हुआ हादसा। दौसा में जाको राखे साई या मार सके ना कोई, ऐसी घटना घटित हुई दौसा रेलवे स्टेशन पर। चित्तौड़गढ़ में भूमि विकास बैंक की साधारण सभा बैठक हुई आयोजित, किसानों को 5% लाभांश देने पर विचार। चौथ माता मेले में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, पैदल जत्थों की चल रही है रैलियां। छिपा बड़ोद में शिक्षक संघ ने किया सद्बुद्धि यज्ञ, पुरानी पेंशन योजना लागू करने की कर रहे हैं मांग। भवानी मंडी में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल ने मनाई सुभाष चंद्र बोस की जयंती, छात्र छात्राओं ने निकाला फ्लैग मार्च। भवानी मंडी के घटोद में पेड़ से गिरकर बंदर की हुई मौत, गांव वासियों ने किया बंदर का अंतिम संस्कार। अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। छिपा बड़ोद 22 जनवरी मंगलवार पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाने को लेकर हनुमान मंदिर हनुमान चौराहे पर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अध्यक्ष नंदलाल केसरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया कि 2004 से सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी है, जो कि हितकारी नहीं है, जिसे लेकर प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। ईश्वर सरकार को सद्बुद्धि दे, इस कामना को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, जिसमें मंत्र उच्चार के साथ 101 आहुतियां दी गई। यज्ञ के बाद संघ के संभाग संगठन मंत्री त्रिलोक शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें तहसील क्षेत्र से 500 शिक्षकों से 2 दिन में हस्ताक्षर करवा के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा। इस अवसर पर शिक्षक संघ के नव नियुक्त जिला उपाध्यक्ष सूरज सालवी का भव्य सम्मान माला पहनाकर किया गया। सद्बुद्धि यज्ञ के समय संघ के संभाग संगठन मंत्री त्रिलोक शर्मा, जिला उपाध्यक्ष सूरज सालवी, उप शाखा उपाध्यक्ष चौथमल वर्मा, महिला मंत्री प्रमिला चंदेल, देवी शंकर नागर, भागचंद मीना, गोकुल मेघवाल, राधेश्याम मीना, जगदीश बेरवा, बुद्धि प्रकाश मेघवाल, मनोज कुमार चौहान, चेतन प्रकाश मेघवाल, हरिओम मेघवाल सहित उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ सदर थाना पुलिस के प्रशिक्षु RPS मुकुल शर्मा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए 4 अवैध देशी कट्टा सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए प्रशिक्षु RPS मुकुल शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अलग अलग टीमें बनाकर अवैध हथियार की धरपकड़ के लिए बनाई टीमों ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 4 युवकों को 4 देशी कट्टा 9mm पिस्टल बरामद कर युवकों को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार के बारे में अंतर्राज्यीय गिरोह होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया कि अवैध हथियार समीपवर्ती राज्य मध्य प्रदेश से लाकर और चित्तौड़ में सप्लाई किए गए। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने सोमवार को 1 और मंगलवार को 3 मामले आम एक्ट में दर्ज किए हैं। एक युवक को न्यायालय में पेश किया, जहां से 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इससे पूर्व जिले के बेगू में भी सोमवार को अवैध हथियार के मामले में
पांच युवकों से पांच पिस्टल बरामद की गई थी। चित्तौड़गढ़ जिले के एसपी अनिल कयाल के निर्देश में जिले भर में यह कार्यवाही की जा रही है। अपना काम यही खत्म है, अपने बस अरे साहब। सीकर जयपुर रोड स्थित संजीवनी विवाह स्थल में विवाह समारोह के दौरान अज्ञात युवक ने 1,75,000 रुपयों से भरा बैग पार कर लिया। इस सूचना पर उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक युवक फरार हो चुका था। युवक के सीसीटीवी कैमरे में फुटेज खंगाले गए तो वही डीएसपी गिरधारी लाल शर्मा ने कहा कि इस मामले में परिवादी ने अभी प्रकरण दर्ज नहीं कराया है, फिर भी पुलिस सीसीटीवी कैमरों के आधार पर कच्ची बस्ती डेरा धर्मशाला और होटलों में तलाशी लेगी। सीओ सिटी ने कहा कि युवक की पहचान के लिए फोटो बनाकर सभी थानों में भेजी गई है और जल्द से जल्द चोरी का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। एक बड़ा को एक और दो तो बैग ते गले पता ठीक है जी। हां संजीवनी पैलेस में कल शाम को भात लेने का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान जो है दो व्यक्ति आए जिनमें से एक व्यक्ति द्वारा बैग लेकर के जाते हुए की फुटेज मुझे अभी परिवादी पक्ष ने दिखाई है, जिसको मैंने थानाधिकारी को फॉरवर्ड किया है और हम लोग उसको अभी सीसीटीवी के और फुटेज वगैरह देख करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने निर्देशित किया है कि आसपास की झुग्गी झोंपड़ी और उस फोटो को दिखा करके और टीमें भेज करके उसकी तलाश कराई जावे और वारदात को खोला जावे। परिवादी पक्ष को भी कहा है कि वो थाने जाकर के प्रकरण दर्ज करवाए। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना सड़क मार्ग क्षेत्र के बस्सी चंदन सिंह सड़क मार्ग पर एक ओमनी कार बाइक सवार की भिड़ंत हो गई। बाइक सवार तीनों युवकों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर के लिए तीनों युवकों को रेफर कर दिया गया है। ओमनी कार चालक ब्यावर जिले का रहने वाला है, जबकि बाइक सवार तीनों युवक कुमंजी का पाड़ा गांव के रहने वाले हैं। बाइक पर सवार होकर घाटोल शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे। तीनों युवक पल्सर गाड़ी पर सवार थे, तेज गति से सड़क पर आ रही ओमनी कार के सामने जा टकराई। कार चालक भी गंभीर घायल हो गया, बाइक के परखच्चे उड़ गए, जबकि बाइक सवार की दो युवकों के सिर में गंभीर चोटें लगी है, जिनकी हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है। चिकित्सकों ने उनकी हालत नाजुक होना बताया और उदयपुर रेफर कर दिया है, बचना नामुमकिन तक बता दिया है। एक युवक के गुप्तांग पर भी गंभीर चोटें लगी है। जिला अस्पताल में तीनों युवकों के परिजन भी आ गए तो वहीं कार चालक को भी उदयपुर के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस ने कार व बाइक को जब्त कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। सदर शहर भादासर दिखनादा गांव की रोही में आज करंट से खेत में काम कर रहे एक युवक किसान की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार भादासर निवासी पन्ना लाल मेघवाल मंगलवार को अपने खेत में गेहूं की फसल में निराण कर रहा था कि पास खेत में लगी तार के टच में हो गया, जिसके कारण करंट की चपेट में आ गया। करंट लगते ही किसान पन्ना राम की मौत हो गई। परिजनों ने गांव के लोगों और पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक के चाचा मूला राम की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। ऊपर से ट्रेन गुजर गई फिर भी जिंदा बच गई, जाके राखो साई या मार सके ना कोई। दोसा कहते हैं जाके राखो साई या मार सके ना कोई, यही कहावत चरितार्थ हुई है। दोसा में एक लड़की ट्रेन के नीचे आ गई और पूरी ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई, फिर भी वह जिंदा बच गई, उसे खरोच तक नहीं आई।
यह लड़की दौसा के रामकरण जोशी अस्पताल के इमरजेंसी में अपना इलाज करवा रही है। दरअसल फाटक बंद होने की वजह से यह लड़की महेश्वर फाटक पर खड़ी थी, अचानक ट्रेन आई और यह ट्रेन के नीचे गिर गई। फिर क्या था, देखते ही देखते लोगों में उस लड़की को बचाने की बात चली, लेकिन तब तक ट्रेन लगभग आधी गुजर चुकी थी। ड्राइवर को पता चला, उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और लड़की को बचाने के लिए एक शख्स ट्रेन के बिल के बीच में घुसा और ट्रेन की पटरी पर नीचे लेटी उस लड़की को बाहर निकाला। वह अचेत अवस्था में थी। उसके बाद दौसा RPF को सूचना मिली, वह मौके पर पहुंची। तब तक उस लड़की को दौसा की RK जोशी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। खबर लिखने तक वह लड़की बेहोश हालत में थी, लेकिन इस घटना में एक बार फिर से यह सामने आ गया कि जिसको भगवान बचाने वाला है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और हुआ भी यही, यह लड़की जब ट्रेन के नीचे आए तो सबको यह लगा था कि यह लड़की अब नहीं बच पाएगी, लेकिन ड्राइवर ने इसके ऊपर से ट्रेन को गुजरा तो उसे एहसास हुआ और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। लेकिन लास्ट में 3-4 डिब्बे बाकी थे और इमरजेंसी ब्रेक लग गए, उसके बाद इसे बचा लिया गया। अब यह लड़की ठीक है और दौसा के अस्पताल में अपना इलाज करवा रही है, हालांकि अभी होश नहीं आया है। चित्तौड़गढ़ में भूमि विकास बैंक के साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें भूमि विकास बैंक के निर्णय लिया कि 5% लाभांश किसानों को दिया जाएगा। इस वार्षिक साधारण सभा की बैठक में वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट व प्रतिवेदन भी पेश किए गए, तो वहीं आम सभा में किसानों की समस्याओं को भी सुना गया। इस आम सभा के बाद एक किसान का प्रतिनिधि मंडल और भूमि विकास बैंक के चेयरमैन कमलेश पुरोहित ने नेतृत्व में जिला कलेक्टर पहुंचा और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर किसानों को कर्ज मुक्त योजना का लाभ शीघ्र दिलाने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ भूमि विकास बैंक राजस्थान में अग्रणी रहा है और कभी पहली कभी द्वितीय तो कभी तृतीय पायदान पर काबिज है और यहाँ का भूमि विकास बैंक एक राजस्थान में मिसाल बना है। चौथ माता मेला सर्दी पर भारी, भक्तों की माता पर आस्था, पैदल जत्थों का लग रहा है रेला। चौथ का बरवाड़ा, आसमान में छाए घने कोहरे और ठिठुरती सर्दी में नंगे पैर बिना थके जयकारे लगाते हुए माता की एक झलक पाने को ललाई श्रद्धालुओं की अनवरत कतार। कुछ ऐसा ही भक्ति और श्रद्धा से ओत प्रोत नजारा दिखा चौथ माता के मेले में। हर तरफ भक्तों का जमावड़ा दिखाई दिया। माता के जयकारों और दर्शनों की ललक में आगे बढ़ते पदयात्रियों के कदम से क्षेत्र में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बन गया है। मंगला आरती के साथ चौथ माता मेले की शुरुआत हो गई है, ऐसे में पैदल यात्रियों की जमावड़ा लगने लगा है। यह दूर दराज से पदयात्री पहुंच रहे हैं। तेज सर्दी के बाद भी माता के प्रति भक्तों की आस्था में जोश कम नहीं हो रहा है। हाड़ौती क्षेत्र के कई गांव से पदयात्री जत्ते माता के दर्शनों को पैदल पहुंच रहे हैं। पदयात्रियों में बच्चे, युवा और बुजुर्ग हर उम्र के श्रद्धालु शामिल है, जो मनोकामनाएं पूरी होने की उम्मीद में माता के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। माता के भजनों पर नृत्य करते और जयकारे लगाते श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं। भक्तों की चौथ भवानी के आंगन में पहुंचते ही सारी थकान दूर हो गई है। तेज सर्दी होने के बाद भी श्रद्धालु सरोवर के शीतल जल में डुबकी लगाकर 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित चौथ माता के मंदिर पर दर्शन को पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंदिर परिसर श्रद्धालु से अटा नजर आ रहा है तथा पहाड़ी से नीचे देखने पर हर तरफ श्रद्धालुओं का रेला दिखाई दे रहा है। भक्त माता की एक झलक पाने के लिए ललायित हो रहे हैं। गुरुवार को संकट चतुर्थी होने और अवकाश होने के कारण श्रद्धालुओं की आवक और बढ़ रही है। चोरू मार्ग सहित अन्य मार्गों पर पैदल जत्थों से मार्ग अटे हुए, बस ट्रेनों और अन्य निजी वाहन खचाखच भरे हुए नजर आ रहे हैं। भवानी मंडी आदर्श
विद्या मंदिर भवानी मंडी व रामनगर विद्यालय में बुधवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई। इस दौरान दोनों विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान विद्यार्थी कदम से कदम मिलाते बैंड की धुन पर चल रहे थे। पथ संचलन का स्थान स्थान पर लोगों द्वारा फूल बरसा कर स्वागत किया गया। संचलन में नेताजी रानी लक्ष्मीबाई की झांकी आकर्षण का केंद्र थे। इससे पूर्व दोनों विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती मनाई गई एवं उनके जीवन चरित्र के बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार आज के बिरला महाविद्यालय में स्थित बोस की प्रतिमा पर प्राध्यापकों व विद्यार्थियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। इसी प्रकार पचपार सब्जी मंडी में लगी बोस की प्रतिमा पर भी नेताओं ने भी माल्यार्पण किया। भवानी मंडी उपखंड के घटोत गांव में बंदर के पेड़ से गिर जाने की वजह से उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना गांव के समाज सेवी सत्यनारायण चौधरी उम्मेद रावत दुर्गालाल रावत को दी, जहां ग्रामवासियों ने एकत्रित होकर बंदर का अंतिम संस्कार करने की बात कही, जिस पर ग्रामवासियों ने बंदर की शव यात्रा निकाल विधि पूर्वक दाह संस्कार किया। भवानी मंडी गणतंत्र दिवस को समारोह पूर्वक मनाने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। शहर के सरकारी एवं निजी विद्यालय के बच्चों ने गणतंत्र समारोह स्थल मेला मैदान में बैंड बाजों की धुन पर शारीरिक व्यायाम का अभ्यास किया। पीटीआई साबिर हुसैन ने बताया कि बिरला कॉलेज व गर्ल्स हाई सेकेंडरी विद्यालय की छात्राओं समेत स्काउट के बच्चों ने परेड की सलामी देते हुए पूर्व अभ्यास किया। इस बार गणतंत्र दिवस पर सभी विद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान विशेष नृत्य किया जाएगा, जो पूरे समारोह का आकर्षण का केंद्र बनेगी। कार्यक्रम के सभी प्रशासनिक विभागों द्वारा झांकियां भी निकाली जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।